काफ़ी चेंजेस ऑल देख चुके हैं इस साल के बिगिनिंग में जो अनाउंस हुई थी, और अभी हम और चेंजेस आते देखेंगे वेरी सून। इसमें स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे अब पढ़ाई करना ज़रूरी होगा और उसकी जो रिपोर्टिंग है वो भी रेगुलर बेसिस पे कॉलेज को शेयर करनी पड़ेगी IRCC के साथ। स्टूडेंट ने अगर अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी चेंज करना है उसके लिए भी प्रोसेस अब नया इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। साथ साथ में पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की चेंजेस भी हम बहुत जल्दी आती हुई दिखेंगी हमें। LOA को लेके ऑलरेडी हम चेंजेस देख चुके हैं। सो, ये सारी चेंजेस हैं क्या और इनका मीनिंग क्या है? क्या ये स्टूडेंट की लाइफ आसान बनाएंगे आने वाले टाइम में या डिफ़िकल्ट बनाएंगी? और स्टूडेंट्स को क्या कनाडा पढ़ाई करने के लिए सोचना चाहिए या किसी हद तक अब कनाडा में स्टूडेंट को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए नहीं जाना चाहिए? मैं डिटेल डिस्कशन आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पे करूँगा। स्वागत आप सबका हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर। मेरा नाम प्रीतिपाल सिंह गिल, मैं एक लाइसेंस्ड और रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम बहुत तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पे इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू इसी चैनल पे आपके साथ शेयर करते रहते हैं। सो, कनाडा स्टूडेंट वीज़ा के अंदर हमने ऑलरेडी बहुत सी चेंजेस देख ली हैं, जिसमें कैपिंग भी देखी है हमने और प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर का भी हमने देख लिया कि पहले LOA जो थे वो वेरीफाई नहीं होते थे, अब प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर के थ्रू LOA जो है उनकी वेरीफिकेशन ना सिर्फ प्रोविंस कर पाएगा बल्कि इमिग्रेशन कनाडा भी कर पाएगी। अब कुछ नए रूल्स हैं जो बहुत जल्दी आपको आते हुए नजर आएंगे, जिनकी कंसल्टेशंस ऑलरेडी ऑन हो गई हैं। इनमें तीन मेन कानून हैं जो आते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले तो ये कॉलेज यूनिवर्सिटी से अब तक जो एग्जिस्टिंग कानून है उसके अंडर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को ये बताने की IRCC को कोई ज़रूरत नहीं है कि वेदर स्टूडेंट उनके पास एनरोल है या नहीं है और वो स्टूडेंट फुल टाइम पढ़ाई कर रहा है कि नहीं है। इसकी कोई भी बाइंडिंग DLIs के ऊपर, DLIs मीन्स डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन जिनमें कॉलेज और यूनिवर्सिटीज आते हैं, इनके ऊपर कोई ऐसी बाइंडिंग नहीं थी कि उनको इमिग्रेशन कनाडा के साथ ये डाटा शेयर करना पड़ेगा। बट अब जो कंसल्टेशंस ऑन हैं, जो नया कानून लेके आ रही है IRCC, इसके अंडर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर ये बाइंडिंग होगी, एक नया कानून होगा जिसके बेसिस पे उनको पहले 10 दिन के अंदर वंस स्टूडेंट स्टार्ट देयर क्लासेस उनको बताना पड़ेगा IRCC को कि स्टूडेंट उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए एनरोल हो गया है। इससे पहले एक बात और बता दूँ कि स्टडी परमिट अब तक जो आपको मिल रहा था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जब आप एयरपोर्ट पर लैंड करते हो, वो एक जनरलाइज स्टडी परमिट था कि आप ओंटारियो में पढ़ने के लिए आए हो और DLI का नंबर वहाँ पे नहीं मेंशन था आपके कॉलेज का, यूनिवर्सिटीज़ का, या BC में पढ़ने आए हो। बट अब आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम और DLI नंबर वहाँ पे मेंशन होगा नए स्टडी परमिट में। सो, ये कंप्लायंस अब कॉलेज यूनिवर्सिटी को करनी पड़ेगी कि उनको बताना पड़ेगा, डाटा शेयर करना पड़ेगा विद इन फर्स्ट 10 डेज ओनली स्टूडेंट की एनरोलमेंट के बाद कि वो स्टूडेंट वहाँ पे एनरोल होकर पढ़ रहा है उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर कि नहीं पढ़ रहा। उसको ये भी डाटा शेयर करना पड़ेगा IRCC के साथ पहले 60 डेज के अंदर, जब स्टूडेंट एक बार एनरोलमेंट ले ली कॉलेज के अंदर और अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया तो विद इन फर्स्ट 60 डेज उसको ये IRCC को बताना पड़ेगा कि स्टूडेंट इज टेकिंग फुल टाइम प्रोग्राम और जो वो प्रोग्राम है उसके अंदर वो पढ़ाई कर रहा है। अब अगर स्टूडेंट किसी वजह से प्रोग्राम छोड़ देता है बीच में तो इसकी भी रिपोर्टिंग जो है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को शेयर करनी पड़ेगी। अगर स्टूडेंट फेल हो जाता है उसकी रिपोर्टिंग भी IRCC के साथ शेयर करनी पड़ेगी। अब तक क्या होता था कि स्टूडेंट ने एक बार एनरोलमेंट ले ली और उसके बाद उसको स्टडी परमिट इशू हो गया, IRCC के साथ कोई भी डाटा शेयर नहीं होता था थ्रू कॉलेज या यूनिवर्सिटी। पहला प्रोसेस हो गया कि आपका जो लेटर ऑफ एडमिशन है LOA उसकी अब वेरिफिकेशन होनी शुरू हो गई थ्रू योर PAL जो प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर है, एंड उसकी वेरिफिकेशन के लिए एक पोर्टल भी है IRCC के साथ जो कॉलेज वेरीफाई करता है LOA को। अब दूसरा ये शुरू हो जाएगा कि DLI को, आपके कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम IRCC के साथ शेयर करनी पड़ेगी। सो, अगर स्टूडेंट फेल भी होते हैं उनको देखना पड़ेगा कि वो अगर फेल हो गए तो आगे वो जो स्टडी परमिट के नॉर्म्स हैं उनको ब्रेक ना करें, लॉ को ब्रेक ना करें, अदरवाइज उनको आने वाले टाइम पे काफ़ी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। मैं इस पर भी आऊँगा। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर बाइंडिंग हो जाएगी कि उनको डाटा शेयर करना पड़ेगा रिगार्डिंग स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के साथ क्या है, अगर स्टूडेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहता है, अब तक क्या कानून है, आप कनाडा में जाके पहले कुछ दिनों के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज चेंज कर सकते हो और
उसकी सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है IRCC को कि आपने किस DLI को छोड़ के दूसरे नए DLI में किसमें आप एडमिशन ली है, आपने एनरोलमेंट ली है। बट अब नए कानून में आपको स्टडी परमिट ही नए तरीके से इशू कराना पड़ेगा, मीन्स आपको सारा एंटायर प्रोसेस स्टडी परमिट का दोबारा से करना पड़ेगा, जिसके लिए अगेन आपको 90 दिन से लेकर 120 दिन प्रोसेस में लगेंगे। बट हाँ, आप जो नए कॉलेज में जा रहे हो वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, पर उसको वहाँ एडमिशन आपकी एनरोलमेंट होगी अब क्लासेस स्टार्ट करने से एटलीस्ट एक दिन पहले आपको नया स्टडी परमिट अप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज जो नया कॉलेज या यूनिवर्सिटी है जिसमें आप जा रहे हो, आप पुराने कॉलेज को छोड़ के, वो आपको एडमिशन नहीं देगा। सो स्टडी परमिट नया लेना पड़ेगा। अब इसमें एक रिस्क रहेगा कि स्टडी परमिट आपका डिनाई भी हो सकता है, डिनाई हो गया तो आपको कनाडा छोड़ के आना पड़ेगा। दूसरी जो मैंने बात की थी कि स्टूडेंट अगर फेल हो गया है, किसी वजह से स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा, स्टूडेंट ड्रॉप आउट हो गया उस कॉलेज यूनिवर्सिटी से जहाँ की उसने एडमिशन ली है, इन्फॉर्मेशन अब IRCC के पास जाएगी। और अगर आपने कंप्लायंस नहीं किया तो अब IRCC आपका वीज़ा भी कैंसिल कर सकता है, जो अब तक कानून नहीं था। सो स्टूडेंट को वीज़ा भी कैंसिल होता हुआ नज़र आ सकता है, और उसके बाद डिपोर्टेशन के ऑर्डर्स भी इशू हो सकते हैं। सो होगा क्या, अब तक स्टूडेंट क्या करते थे कि फॉर सम रीज़न अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो आप रिफ्यूजी क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते थे, बट अब नए कानून के हिसाब से अगर आपने कंडीशंस पूरी नहीं की और आपके लिए डिपोर्टेशन ऑर्डर इशू हो गया तो उसके अंडर अब आप रेफ्यूजी क्लेम के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। 2022-23 में रिकॉर्ड नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा के अंदर गए हैं। 10,40,000 के करीब स्टूडेंट्स 2023 के एंड तक पढ़ रहे थे कनाडा के अंदर, विच इज़ ए ऑल टाइम हाई नंबर। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए, प्लस स्टूडेंट्स की काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं कंप्लायंस को लेके, क्योंकि जो कानून है उसमें काफ़ी त्रुटियाँ थी, उसमें काफ़ी ऐसी बारीकियाँ थी जिनको नज़रअंदाज किया था IRCC ने पिछले काफ़ी लंबे समय से। USA के अंदर अगर आपने इंस्टीट्यूशन चेंज करना है तो आपको सर्विस नया लेना पड़ता है, UK के अंदर भी आपको नए तरीके से सारा प्रोसेस करना पड़ता है। सेम थिंग इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, जो उन्होंने काफ़ी समय पहले कर दिया, कनाडा ने अनफॉर्चुनेट नहीं किया था। तो अब ये जो कानून चेंज हो रहे हैं, इसके बाद एक और बात, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में भी चेंजेस आती हुई नज़र आएंगी। वो अब हर स्टूडेंट को 2 साल की पढ़ाई के बाद 3 साल का वर्क परमिट नहीं मिलेगा आने वाले टाइम में। उसमें भी कैटेगरी होगी कि स्टूडेंट को कितना वर्क परमिट मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपका जो पढ़ाई है और आगे जो ऑक्यूपेशन जिसमें आप जा रहे हो उसकी लेबर शॉर्टेज क्या है, उसकी डिमांड क्या है, उसकी बेसिस पे ये कानून भी आपको बाय एंड ऑफ दिस ईयर आता हुआ नजर आएगा। बट ये जो मैंने पहले 2 कानून बताया, कॉलेज DLA को जो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, और प्लस आप कॉलेज स्विच नहीं कर सकते, स्विच करना है तो स्टडी परमिट नया लेना पड़ेगा, ये बहुत जल्दी मे बी मोस्ट प्रॉब्ली बाय अगस्त में ही, नेक्स्ट मंथ में ही आपको आता हुआ नजर आएगा। सो ये एक पॉजिटिव स्टेप है, ये एक नेगेटिव नहीं है। बहुत से स्टूडेंट इस बात से डरे हैं कि शायद कनाडा ज़्यादा सख्ती कर रहा है, उसको स्टूडेंट्स की ज़रूरत नहीं है, या इंटरनेशनल जो स्टडी प्रोग्राम है इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर कट कर रहा है। वो नहीं, बेसिकली वो इसको रिफाइन कर रहे हैं ताकि वही स्टूडेंट वहाँ पे आएँ जो सच में सीरियस हैं, और स्टूडेंट वहाँ आके सीरियसली अपनी पढ़ाई करें, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लें, और उसके बाद वो PR का रास्ता तलाश करें। आज की डेट में स्टूडेंट इतने हो गए हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन आपने देखा है कि ब्रैम्पटन के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन चल रही हैं, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन है, तो स्टूडेंट का फोकस पढ़ाई पे कम है, PR पे ज़्यादा है। ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट हैं जो जिनको बहुत से लोग वहाँ मिसगाइड कर देते हैं, वहाँ भी बहुत कनाडा के अंदर ऐसे एजेंट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं जो स्टूडेंट को अननेसेसरी मिसगाइड करके बोल देते हैं कि हम आपको LMI ले देंगे, या बहुत बार स्टूडेंट जहाँ पे काम करने जाता है एम्प्लॉयर ही आपको मिसगाइड कर देता है कि आप पढ़ाई छोड़ दो, फुल टाइम हमारे पास काम करो, हम 1 महीने बाद 2 महीने बाद आपको LMI दे देंगे, और मैक्सिमम केस में LMI नहीं लेके दिया जाता। सो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, बिकॉज इसकी काफ़ी रिपोर्टिंग टाइम टू टाइम IRCC के पास जा रही है, सो इन सब चीज़ों से स्टूडेंट्स को बचाने के लिए, स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सेफ करने के लिए ये जो नए कानून हैं ये लेके आए जा रहे हैं। जो स्टूडेंट सच में कनाडा में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो स्टूडेंट हाँ एक रास्ता ढूंढते हैं जिसके थ्रू वो कनाडा पहुंच जाए बट ऑब्जेक्टिव पढ़ाई का नहीं है, उनके लिए ज़रूर आने वाले टाइम पे काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा। सो कनाडा की एजुकेशन में ये रिफाइन हो रही है, ये जो प्रोसेस है सारा रिफाइन हो रहा है, इससे आपको और भी सहूलत मिलेगी, और आने वाले टाइम पे आपको PR के भी नए नए रास्ते आते हुए नजर आएंगे। एजुकेशन का स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा और अच्छी एजुकेशन लेके स्टूडेंट्स
अच्छे ना सिर्फ वो अच्छी जॉब ले पाएंगे, बल्कि अगर परमानेंट रेजिडेंसी आप लेना चाहते हैं उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। आपकी कोई कैनेडा स्टडी वीज़ा की फाइल है, जनवरी इनटेक हमारे पास ओपन है, ज़रूर हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं काफ़ी लंबे समय से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। इवन आपका कोई रिफ्यूज़ल केस है, ज़रूर हमसे सलाह कर सकते हैं। नंबर हमारे सामने डिस्प्ले हो रहे हैं।